सबसे अच्छी औरत कौन है, ये नमूना जरा ध्यान रखिएगा। रात में बेटे का इंतकाल हो गया, औरत ने जल्दी से बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। शौहर जब अंदर घर में आया, बाहर से पूछा क्या है बच्चे का क्या हाल है, बहुत अच्छा है बहुत आराम में। सुबह को अपनी शौहर को बुलाया, कहा कि मेरे पास आज से बहुत साल पहले किसी ने अमानत दी थी और लेने के लिए नहीं आया था, रात में आ गया लेने के लिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अमानत किसी की अमानत थी, दे दिया था, आया नहीं था लेने के लिए, लेकिन आ गया, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कहा देना चाहिए। तुम्हारा बच्चा अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था, तुम्हारे आने से पहले रात में वापिस ले लिया, जल्दी से उठो, सबर करते हुए बच्चे के कफन और दफन का इंतजाम। यहां तो सुनिए, एक औरत है, बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर को नहीं बताया, शौहर को यह बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत आराम में है, बच्चा का इंतकाल हो गया। क्यों? शौहर बाहर से आया था, थका हुआ था, अगर उस वक्त बता देती तो शौहर की नींद हराम हो जाती, इसलिए सुबह को बताया। बीवी वो है जो शौहर को मुसीबत से निकाल दे। दूसरी मिसाल जरा ध्यान सुन, बादशाह को देखना था कि कौन सी बीवी नेक है, कौन सी बीवी दिल से मोहब्बत करती है, बादशाह को यह बताना था। एक बीवी से कहा, देखो मैंने खजाना खोल दिया, लेना है ले लो, झट से मारा सोने पर हाथ मारा ले लिया। दूसरी बीवी से कहा, ये मेरा खजाना है, लेना चाहती हो तो ले लो, जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, चांदी पर हाथ मारा ले लिया। तीसरी बीवी से कहा कि जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, तीसरी बीवी ने झट से मोदी पर हाथ मारा मार लिया। चौथी बीवी खड़ी है, बादशाह ने कहा ओ बेवकूफ क्यों खड़ी है, उसने सोने पर हाथ मारा, इसने चांदी पर हाथ मारा, इसने मोती पर हाथ मारा, तुम क्यों खड़ी है। बादशाह सलामत, अपना ऐलान दोहराओ। बादशाह ने कहा जो जिस पर हाथ मारेगी उसका हो जाएगा, किस लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। तो बादशाह मुझसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बादशाह तुम्हारी दौलत से मुझको मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे सोने और चांदी से मोहब्बत नहीं है, मुझको तो दिल से तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे हो गए सारी बादशाह तुम्हारी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, नई औरत है, पहली रात है, मैं कैसे ससुराल आई है, शौहर से कह रही है कि देखो अपने भाई से लड़ाई मत करना। शौहर ने कहा कि तुमको हमसे मतलब रखना है, मेरे घर वाले से मतलब मत रखो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि नहीं, तुमको तुम्हारे भाई से भी मतलब रखना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा मेरे भाई से मतलब नहीं रखना है। कहा नहीं, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो, याद रखो अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, हमारा नुकसान है। तुम भाई से मेल मोहब्बत रखोगे हमारी औलाद आपस में मेल मोहब्बत रखेगी, अपना फायदा। चौथी बात को याद रखिए, सबसे बेमिसाल बीवी कौन होती है, दिल से चाहने वाली औरत कौन होती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बनाने वाली कौन सी औरत होती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। औरत से पूछा शौहर ने, तुम मेरे घर आई हो, मैंने तुम्हें मैके से ससुराल लाया है, तुम्हारी पसंद का खाना मालूम करना चाहता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको पसंद का खाना खिलाऊंगा, तुम्हारी पसंद क्या है बताओ, तुम अपनी पसंद का कपड़ा बताओ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको कपड़ा खरीद करके दूंगा, तुम्हारी पसंद का नाम क्या है, वो नाम मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगा। औरत ने कहा कि हुजूर, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद का खाना है वही मेरी पसंद का खाना है, जो आपकी पसंद का कपड़ा है वही मेरी पसंद का कपड़ा है। वो अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? मैं औरत हूँ, तुम शौहर हो, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तुम्हारी पसंद के हट करके तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। इंशाल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह, अल्लाह बेटी को रुख्सत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह, बेटी को रुख्सत करेंगे, बेटा को माला माल करेंगे, तो दामाद आजाद बन करके मुसल्लत होगा, हगा करके भी लेगा, मुता करके भी। जरा ध्यान से रखिएगा, बेटा बेटी के साथ कर्म करना, किसी के साथ सितम, किसी के साथ कर्म नहीं करना है, दोनों आपकी औलाद है। अगर आप बेटे को मीराश से महरूम करेंगे, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। शौहर की नियत में फुतूर आ गया, ताक झांक कर रहा है, बीवी के रहते हुए गैर औरत को ताक झांक कर रहा है, नया कपड़ा पहना, इतर लगाया, जुमे की तरफ जा रहा, बीवी ने पूछा कि हर दिन नया कपड़ा नहीं पहनते थे, आज क्या
पहने हो, खुशबू लगा करके जा रहे हो, बात क्या है? बिल्कुल जलसा खत्म हो रहा है, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म हो रहा है। क्या वजह है कि तुम तैयारी करके कहां जा रहे हो? जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोई और इरादा तो नहीं है? का कोई और इरादा नहीं है? ताकि अगर ऐसा इरादा है, जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ जा रहे हो, एक गिलास मेरे हाथ का पानी पियो। बस पानी पीना था, तीन दिन के लिए सो गया, सीधे कुवार में उठा। अब फिर वजू करके जा रहा था, बीवी ने कहा कहां जा रहे हो? जुमा पढ़ने का, जुमा नहीं है कुवार। नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, तीन दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे कयामत में उठोगे, इससे पहले नहीं उठो। औरत हो तुम तो नहीं ना सिकिला कत्र के लिए दहर में आ ही हुई निकी अजमत के लिए तुमने औलाद को शौहर को दिया आजमो कमा तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए मर्द पर भी तो नहीं पर है सो दो तकवा तुम भी तो आ मौला की इबादत के लिए। पैगाम खत्म हो गया। तीन वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। तीन वादा लेता हूँ, अल्लाह आपकी दुनिया बना देगा। इंशाल्लाह वादा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा मरने के बाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरने से पहले वादा पूरा करें, अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की बात करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह दीन बना देगा। तीन वजह से घर में आफत आती है, आप गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, आप हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, आप उल्टा सीधा माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह मुसीबत से आपको निजात देगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रंगत शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के चक्कर में, फिर खेत के चक्कर में, फिर रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में तो छोटी भी गई, नवानी बात वाइस की, फिर फकीरों के चक्कर में तलब होती भी गई। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।